रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। और दोस्तों इस कहावत को आप लोगों ने सच करके दिखाया है। 2020 की भर्ती और 2023 आ चली, आपने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। और यहाँ पर आपका इंतजार कुछ का तो ख़त्म हो चुका, कुछ का अभी भी इंतजार बना हुआ है। जैसे क्या, गाँव में पहले दावत चलती थी ना, तो पंगत बैठती थी, तो इधर से खाना शुरू होता था। तो अगर आधों को दे दिया जाए, थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है। वही हमारे साथ में हुआ है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 वालों के साथ में। आधे मतलब कुछ बच्चों का तो हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिल गए हैं, मतलब उनके मेल पे आ गए हैं, घर भी पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और कुछ भाई बहनों का तो अभी यही पता नहीं चल रहा कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, महीना में आएगा, 10 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, कि साल में आएगा, कोई कंफर्म नहीं है। सस्पेक्टेड वाले, ईडब्ल्यूएस वाले दोनों को फंसा के रखा है। या तो रिजल्ट ही नहीं जारी करते, करना था तो सबका करना था भाई, आपको अगर रिजल्ट देना था तो सबका देना था, वरना आधों का क्यों दिए। अब बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी क्या मिला, इंतजार, फिर भी क्या मिला, इंतजार। 1522 पोस्ट है, 136 को रख दिए सस्पेक्टेड में, और ईडब्ल्यूएस को पूरा रखे हैं लटका के, और यहाँ पे 6 जो है फीमेल को भी रख दिया लटका के। तो ये गलत है, देखा जाए तो बिल्कुल एकदम सरासर गलत है। रिजल्ट देते तो सबका देते, वरना किसी का ना देते भाई, थोड़ा और लेट हो जाते। अब आधों का आ गया, कुछ का रह गया, तो बहुत बुरा तो लगता है। ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें आप लगा लो, 1522 का 10% और 136 ये हैं और 6 ये हैं, मिला जुला के जो है मान लो ये 300 के पार तो है ही है टोटल, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ज्वाइनिंग 26 दिसंबर से शुरू है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता है, वो ज्वाइनिंग लेटर ले आए हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब से है। तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 26 दिसंबर से शुरू है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर तो मैं नहीं देखा हूँ, पर ज्वाइनिंग आपकी 26 दिसंबर से शुरू है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो क्या EWS में और सस्पेक्टेड में फंसे हुए हैं, और आज भी बात हुई है, तो आप लोग जो है दिल्ली भी गए हैं, तो दिल्ली से जो सूचना मिली वो भी मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली जो गए हैं वो लोग ग्रुप बनाए हैं, 30 लोगों का ग्रुप है, 30 में से वो लोग 30 के 30 ही दिल्ली पहुंचे हैं। तो उनको क्या उन्होंने बताया है, क्या आश्वासन दिया है, कितना समय और लग सकता है सस्पेक्टेड वालों का। सस्पेक्टेड आपको क्यों किया गया है ये भी रीज़न पता चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही चूक हुई है, आपका जो है थंबनेल मैच नहीं किया। उन्होंने शायद एक सेंटर का नाम भी बताया था, पश्चिम बंगाल में है कि कोई सेंटर है ऐसा जिस पे जो है सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड बच्चे किए गए हैं। कुछ टेक्निकल इशू भी था और उसी में जो है उन्होंने जल्दबाजी करके यहाँ पर सस्पेक्टेड में आपको रख दिया है, थंबनेल मैच ना करने की वजह से, ठीक है। अभी आप लोग अपनी अपनी यूनिट में जा रहे हैं, जी हाँ। एक बात यह है, एक भाई बोल रहा था हमारी सर ट्रेनिंग जो है कब से शुरू है, अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग है। क्या है आपकी, सिर्फ अभी ज्वाइनिंग है 26 दिसंबर से। ट्रेनिंग आपकी जो है यहाँ पर कम से कम या तो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में होगी, हो सकता महीना भर भी आप बटालियन में रह जाओ, उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटरों पे जाओ, ठीक है। और सेंटर में आप ट्रेनिंग सेंटर में बाद में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी 26 तारीख से आपकी यूनिट में ज्वाइनिंग शुरू है, ठीक। ट्रेड वालों की ट्रेनिंग अलग होगी, जी हाँ। एक भाई पूछ रहा था क्या ड्राइवर ट्रेड वालों की एक साथ ज्वाइन ट्रेनिंग होगी, देखिए ट्रेड वालों की ट्रेनिंग अलग होगी और ड्राइवर वालों की ट्रेनिंग अलग होगी, ठीक है मेरे भाई। पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है, कुछ भाई सोच रहे हैं जैसे हम ही को वेरिफिकेशन करा के देना, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी यूनिटों से वेरिफिकेशन आएगा और वो खुद अपने आप जो है वेरिफिकेशन कराकर कर देते हैं, डन यहाँ से करके बाई पोस्ट भेज देते हैं अपनी अपनी यूनिटों में, ठीक है। पुलिस वाले यहाँ से थानों से सबसे होके चला जाएगा। BN कैसे जाए, अगर किसी पे छोटा मोटा कुछ है तो उसको देख लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है। BN कैसे जाए, एक बच्चे का क्वेश्चन है, हमको सर बटालियन का एड्रेस मालूम नहीं है, हम कैसे जाए। देखिए सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है जिससे आप वीडियो भी देखते हैं, इसी में गूगल होता है। गूगल में सिर्फ आपको उस बटालियन का नाम डालना है जिस बटालियन में आपको ज्वाइनिंग दी गई है, आपके सामने पूरा डेटा खुल के आ जाएगा, उसकी लोकेशन भी और उसके जाने का रास्ता भी सब कुछ आ जाएगा, समझ गए। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बटालियनों को मैं बता सकता हूँ, जैसे 56 भी वाहनी में हम खूब रहे हैं, तो ये बथनाहा बिहार में है और ये कटिहार जंक्शन है, वहाँ से फिर बथनाहा के लिए एक ट्रेन पकड़नी होती है, उसी के पास में है 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो आप इससे आराम से जा सकते हैं, और भी कई बटालियन हैं, तो मैं सबकी जानकारी तो अब कैसे दूँ, यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
सस्पेक्टेड वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी? जी हाँ, देखिए ये मोबाइल नंबर आप लोग देख रहे होंगे, पर इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल तो कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा। सस्पेक्टेड वालों का ग्रुप है जो गया है दिल्ली, और ये आपको सिर्फ यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल मत करना। कोई भी कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये मेरा नंबर नहीं है, उस भाई का नंबर है जो भाई जो है आपके लिए मेहनत करके दिल्ली गया है, जानकारी इकट्ठा किया है कि आपके कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये 30 लोगों का ग्रुप है, तो आप भी इस ग्रुप में जो है जुड़ जाइए। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एक बार सुन लें, 84 54 80 84 54 80 60 99। जो सस्पेक्टेड वाले भाई बहन हैं वो इसमें आराम से जुड़ जाएं और अपनी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आप जो है आपस में शेयर करते रहना। तो ये उस भाई का नंबर है, 30 लोगों का ग्रुप पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप चले जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से थोड़ी राहत मिल जाएगी। दिल्ली में क्या क्या बात हुई है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद जान लेंगे। ठीक है, EWS वालों का कब तक आएगा? देखिए EWS वाले भी सही बात है, बहुत चिंतित हैं, और EWS वालों का भी जो है इनके जैसा ही हाल कर दिया है, इनको भी जो है सस्पेक्टेड वालों की तरह ही रीचेकिंग इनकी भी चल रही है। ठीक है, एक बिट्टू हैं, बिट्टू हमें लिख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है ज्वाइनिंग कब है, और ज्वाइनिंग लेटर हम लेकर आए हैं। अभी कमेंट किया था कि सर हमारे पास में ज्वाइनिंग लेटर हम ले आए हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा हम ज्वाइनिंग करनी कब है। तो देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको 26 दिसंबर को ज्वाइनिंग करना है, अपनी बटालियन में 26 दिसंबर को ज्वाइन करना है। ठीक, और सब लोग 26 दिसंबर को ही ज्वाइन कर लेंगे, जितनों के पास में ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं 26 तारीख को सब लोग ज्वाइन करेंगे 26 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ से आपकी सीनियरिटी भी शुरू होती है, और सीनियरिटी के साथ साथ में आपको जो है लमसम 1200 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। 35 BN देखिए नक्सलाइड एरिए में है, आपको जो है लमसम 17000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और तनख्वाह आपकी सबकी अलग अलग रहेंगी, जिस यूनिट में आप जाएंगे उस यूनिट के हिसाब से आपकी तनख्वाह बनेगी। ठीक है, अगर किसी की नक्सलाइड एरिया में है तो नक्सलाइड एरिया की तरह तनख्वाह बनेगी, और जिनकी प्लेन एरिया में प्लेन की तरह तनख्वाह बनेगी। तनख्वाह फिर भी आप 36 से लेकर 50000 के बीच मान के चलेंगे, 36000 से लेकर 50000 तक आपकी तनख्वाह मिलने वाली है, किसी भी ट्रेड में हो कुछ भी हो। ठीक है, ये आपकी तनख्वाह रहेगी। तो आप लोगों को मैं नंबर दे दिया हूँ, ठीक है, इस पर अपना सस्पेक्टेड वाले देख लें, और मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि हम वहाँ गए तो उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं, उन्होंने बात करवाई वहाँ पर जो रहते हैं हेडक्वार्टर में दिल्ली, ये लोग गए थे, उन्होंने बात कराई, उन्होंने बताया कि इसमें जो है समय लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 6 मंथ का समय भी लग जाए और 12 मंथ का भी समय लग जाए। तो बहुत मतलब विडंबना की बात है, पर मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग आपकी भी आ जाए, सस्पेक्टेड वालों की भी, ताकि आपको कोई और कदम उठाना ना पड़े। ठीक है, बाकी आप लोगों को ग्रुप है ये देख लेना अपने हिसाब से, उछल कूद ज़्यादा मत करना, अगर ज़्यादा उछल कूद करोगे फोन मोबाइल नंबर के साथ में तो आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप कॉल ना मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हेलो हाय लिखना, ये आपको तुरंत ही, और लिखना सस्पेक्टेड वाले कैंडिडेट हैं और हमारा हमको भी ग्रुप में जोड़ दें भैया, इतना लिखना है, वो आपको जो है ग्रुप में जोड़ देगा, वहाँ अपनी दादागिरी चलाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, सब लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे हैं नहीं, फैमिली थोड़ा घर पे गई हुई, घर पे थोड़ी समस्या चल रही है, तो मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी खाना भी बनाना है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं सब कुछ अपने आप करना होता है और ड्यूटीज़ भी जाना होता है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, अगर किसी का डाउट कमेंट में है तो पूछ लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।